India. फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी। कल हम लोगों ने स्टार्ट करा था सिंपल मशीन्स एंड लीवर, क्लियर दोस्तों, और आज हम इसको पूरा चैप्टर कंप्लीट करके कल जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे हम लोग ये करेंगे, ठीक है। तो तीन क्लास में आपका सिंपल मशीन और लीवर खत्म हो गया, एक कल ली थी एक आज, मतलब आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल और कल सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। बताइए दोस्तों कल के में अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। बताइए दोस्तों आज पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल ईजिली, जल्दी से बताइए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने लीवर पढ़ा था, क्लियर, लीवर देखा था। लीवर देखिए दोस्तों, लीवर क्या होता है, कल हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि एक फलक्रम था, ठीक है, आलम बिंदु था, इसको हमने रिप्रेजेंट करा था दोस्तों किससे, एफ से, किससे रिप्रेजेंट करा दोस्तों, एफ से, क्लियर दोस्तों। इस जगह हमारा क्या था, लोड था, लेट सपोज इधर क्या था दोस्तों, लोड था, क्लियर इस जगह। अब देखिए दोस्तों होगा क्या, कल हम लोगों ने मैकेनिकल एडवांटेज देखा था, मैकेनिकल एडवांटेज था दोस्तों लोड अपॉन एफर्ट था दोस्तों, ठीक है। और इसको मैंने एक दूसरे तरीके से और बताया था, और मैंने बताया था कि आज मैं बताऊंगा कैसे आया कि लोड अपॉन एफर्ट लिख सकते हैं दोस्तों, या फिर हम लोग लिख सकते हैं एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। बताइए फ्रेंड्स यहां तक हम लोगों ने देखा था, क्लियर। बात करते हैं एफर्ट आर्म क्या होता है। देखिए कोई लोड है, इसको ये लोड, इससे कोई लोड लग रहा है दोस्तों, कुछ भी चीज बैठा है तो ये नीचे आने की कोशिश करेगा, इसको हमको उठाना, इसको ओवरकम करना, ये हमारे लिए लोड के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम भी यहां से एफर्ट लगाएंगे दोस्तों, हम भी यहां से क्या लगाएंगे दोस्तों, एफर्ट, क्लियर। तो जो फलक्रम है दोस्तों ध्यान से समझिए, जो फलक्रम है, फलक्रम से एफर्ट की दूरी, यानी फलक्रम से प्रयास, एफर्ट यानी प्रयास, फलक्रम से प्रयास की जो दूरी है, आलम बिंदु से जो प्रयास की जो दोस्तों दूरी है, इसको बोलते हैं कौन से आर्म, एफर्ट आर्म। इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं दोस्तों ईए से, ईए क्या है दोस्तों, एफर्ट आर्म यानी प्रयास भुजा, क्लियर। और दोस्तों ये आपकी क्या हो जाएगी, लोड से फलक्रम पॉइंट यानी आलम बिंदु की लोड से जो हमारी दूरी है दोस्तों, इसको बोलते हैं एल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कौन सी हो जाएगी आपकी लोड आर्म, क्लियर दोस्तों। इतनी बात हम लोग कल कर चुके थे, अब इसके आगे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एफर्ट आर्म का मतलब प्रयास भुजा, लोड आर्म का मतलब दोस्तों लोड भुजा, लोड भुजा। और एक कल आपको बताइए लोड अपॉन एफर्ट, ये हम लोग कल पढ़ चुके थे दोस्तों। देखो बात करते हैं कि लोड अपॉन एफर्ट, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म कैसा है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था दोस्तों कि इसके पीछे टॉर्क का कॉन्सेप्ट है। देखिए दोस्तों फॉर एग्जांपल आप मुझे एक चीज बताइए दोस्तों कि पार्क में आप गए, क्लियर, पार्क में आप गए, ये हमारा फलक्रम पॉइंट है, ये हमारा फलक्रम पॉइंट है दोस्तों, ये क्या है, लोड है। कुछ मान लीजिए एक जना के बैठ गया, ये मान लीजिए आप एक जना के बैठ गया, अब हमको क्या करना है दोस्तों, इसको बैलेंस करना है कि ये नीचे नहीं गिरे, ये नीचे नहीं गिरे, तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस जगह एफर्ट लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा, हमको भी दबाना पड़ेगा जब ये नीचे नहीं गिरेगा और जब ये बैलेंस रहेगा, बिल्कुल ऐसे एक लाइन में रहेगा, हॉरिजॉन्टल एक क्षैतिज रेखा में रहेगा, क्लियर, वरना अगर बैलेंस नहीं होता दोस्तों इधर उधर घूमेगा, क्लियर। हम कब बोलेंगे कि जो हमने एफर्ट लगाया, जो हमने इस लोड को बचाने के लिए जो एफर्ट लगाया, जो प्रयास लगाया, वो बैलेंस है, ये पूरी, इसको बैलेंस कब बोलेंगे दोस्तों, बैलेंस कब, बताइए कब बोलेंगे दोस्तों, कि जब ये घूमेगी नहीं
क्योंकि भाई अगर इधर उधर घूमेगी तो ये बैलेंस होगी क्या दोस्तों? जैसे भाई आप ध्यान से समझिए, ये आपकी रॉड मान लीजिए, जो ये रॉड है, ये रॉड छड़ है ये मान लीजिए, और आपने दोस्तों यहाँ से इसको कर दिया पिन, ठीक है। अगर दोस्तों ये सीधी रहेगी तो हम मानेंगे कि बिल्कुल बैलेंस है, लेकिन दोस्तों अगर ये ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमती रहेगी, तो दोस्तों इसको बैलेंस बोलेंगे क्या? इसको बैलेंस बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो जब हम लोगों ने एफर्ट लगाया, हम कब बोलेंगे दोस्तों बैलेंस हो गई? जब ये घूमना बंद कर दे, जब ये घूमना बंद कर दे, क्लियर। जब हम घूमना बंद कर दे, या फिर हम बोल दे कि जितना ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज का मतलब अपनी घड़ी कैसे घूमती है दोस्तों, अपनी घड़ी कैसे घूमती है दोस्तों, दक्षिणावर्त, क्लियर। तो क्या मैं बोल सकता हूं, जितना ये क्लॉकवाइज घूमे, अगर उतना ही ये एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए दोस्तों, तो क्या बोल सकते हैं बैलेंस हो जाएगी? बताइए, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? फिर मैं बोल रहा हूं कि जितना ये क्लॉकवाइज यानी जितना दक्षिणावर्त घूमे, अगर उतना ही एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त घूम जाए दोस्तों, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये बैलेंस है। या फिर आप बोल सकते हैं दोस्तों कि इसको बैलेंस कब बोलेंगे, यानी जितना ये वामावर्त घूमे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, अपनी घड़ी ऐसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों कैसा होगा, ऐसे, वामावर्त कौन सा होगा, ये वामावर्त है, ये कौन सा दोस्तों आपका वामावर्त और ये दक्षिणावर्त, ठीक है। तो या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं, जितना ये एंटी क्लॉकवाइज घूमे, अगर उतना ही ये क्लॉकवाइज घूम जाए, तो ये क्या होगा, बैलेंस। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया दोस्तों टॉर्क का, क्लियर। टॉर्क क्या होता है, अब सिंपल सी बात है दोस्तों, जो मैंने बोला घूमना घुमाना, अब इसको घुमाना कौन, अब ये एफर्ट है दोस्तों, ध्यान से समझिए, ये रॉड है, यहां से पिन है, आपने ये एफर्ट लगाया, बताइए एफर्ट कैसे घुमा रहा है, एफर्ट कैसे घुमा रहा है, इस एफर्ट की वजह से ये रॉड कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एफर्ट की वजह से जो रॉड है कैसे घूम रही है दोस्तों, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त या वामावर्त, बताइए दोस्तों, क्लियर। और दूसरी मैं बात करूं दोस्तों, अगर इस लोड की वजह से ये जो रॉड है कैसे घूम रही है, इस लोड की वजह से कैसे घूम रही है दोस्तों, लोड की वजह से दोस्तों क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, बताइए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, बताइए, क्लियर। तो आपको दोस्तों दिख रहा होगा, जो ये जो एफर्ट है, एफर्ट की वजह से जो ये आपकी रॉड है दोस्तों, एफर्ट की वजह से जो रॉड है ऐसे घूम रही है, कुछ ऐसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक है, यानी कैसे घूम रही है, दक्षिणावर्त घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लियर। यदि मैं बात करूं दोस्तों इस लोड की वजह से, इस लोड की वजह से ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है, लोड की वजह से ऐसे, यानी एंटी क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज बोले तो दोस्तों वामावर्त, बताइए, इतनी चीजें समझ में आ रही है, बताइए, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल सी चीज ये है, ये बैलेंस जब होगी दोस्तों कि जितना क्लॉकवाइज घूमे, जितना क्लॉकवाइज घूमे उतना ही एंटी क्लॉकवाइज, जब भी हमारी क्या होगी दोस्तों, बैलेंस होगी दोस्तों। तो देखिए, तो दोस्तों घुमाता कौन है, टॉर्क, ये फोर्स है दोस्तों, ये फोर्स लग रहा है, ऐसे समझो ध्यान से, ये ऐसा फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के बीच में ये फोर्स और ये जो फलक्रम है यानी जो आलम बिंदु है, इसके बीच में दोस्तों कोई दूरी है, ठीक है। तो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क आप जानते हो दोस्तों कितना होते हो, टॉर्क कितना होता है, टॉर्क यानी बलागुण क्या होता है, बलागुण क्या होता है दोस्तों, फोर्स इंटू डिस्टेंस, या फिर आप बोल सकते हो बल इंटू दूरी, बल कितना लग रहा है दोस्तों, एफर्ट, और दूरी कितनी है दोस्तों, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था दोस्तों एफर्ट आर्म, ठीक है, एफर्ट आर्म, इसको क्या नाम दिया था दोस्तों, एफर्ट आर्म। तो इसको मैं एल ई से रिप्रेजेंट करता हूं, या फिर ए ई से, किसी से भी कर लो, एल ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगी दोस्तों, एफर्ट आर्म, ठीक है। तो दोस्तों ये कौन सा है, क्लॉकवाइज, ये दोस्तों कितना है, क्लॉकवाइज, तो जितना क्लॉकवाइज घुमा, कितना घुमा, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, और यदि जितना क्लॉकवाइज घूम रहा है उतना ही यदि एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए तो दोस्तों बैलेंस हो जाएगी। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है दोस्तों, इधर लग रहा है लोड, तो कितना घूम रहा है, लोड इनटू ये डिस्टेंस, इसको हम लोगों ने नाम दिया था आर्म लेंथ, ठीक है, सॉरी लोड आर्म, इसको क्या नाम दिया था, लोड आर्म। तो एंटी क्लॉकवाइज भी इतना ही होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एल इंटू एल ए। तो यहां से दोस्तों क्या लिख सकते हैं, लोड अपॉन एफर्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज आप जानते हो दोस्तों, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट, ये कल मैंने बताया था, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफर्ट आर्म यानी प्रयास भुजा अपॉन लोड आर्म, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, बस ये चीज मैंने बताया कहां से आई है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सीधा आप याद रखिए, लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट, एफर्ट का मतलब प्रयास, या फिर आप बोल सकते हो एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, क्लियर दोस्तों, बताइए।
ठीक है, समझ में आ गया कैसे आ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब कुछ अच्छी चीजें देखते हैं दोस्तों। क्या देखते हैं, मुझे जल्दी से ये बताइए दोस्तों कि ये कौन से टाइप का लीवर है आपका। ये आपको इधर लोड लग रहा है दोस्तों और इधर आप उठा रहे हो, ये एफर्ट लग रहा है। पहले तो ये बताइए कौन सी क्लास का ये, प्रथम श्रेणी का है, द्वितीय का है या तृतीय का, जल्दी से बताइए दोस्तों, पहले तो ये बताइए मुझे, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने क्या बोला, आप जानते हो दोस्तों मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। मैकेनिकल एडवांटेज होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। ध्यान से समझिए, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ध्यान से समझिए दोस्तों। मुझे बताइए कौन सी श्रेणी का है। आप जानते हो दोस्तों, कल याद होगा आपको, एफ एल ई, बीच में कौन आ रहा है दोस्तों, आपका फलक्रम आ रहा है, बीच में कौन सा आ रहा है, फलक्रम आ रहा है। तो दोस्तों ये कौन सी श्रेणी का हो गया, पहली श्रेणी का हो गया, ठीक है, पहली श्रेणी का हो गया। यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। मैंने बोला कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन होगा, लेस देन वन होगा या बराबर वन होगा, जल्दी से बताइए प्लीज। मैंने बोला दोस्तों जो इसका यांत्रिक लाभ है, जो इसका यांत्रिक लाभ है वो ग्रेटर देन वन होगा, लेस देन वन होगा या बराबर वन होगा, जल्दी से बताइए। हाँ, क्लास तो फर्स्ट हो गई दोस्तों। मैंने क्या बोला, जो बोल रहे हिंदी में भी लिखे आ रहे हो, कितनी बार मैं कल तो लिखा था यांत्रिक लाभ, बार बार मैं इसको पूरा थोड़ी लिखूंगा, मैकेनिकल एडवांटेज या फिर यांत्रिक लाभ, मतलब कैसे बातें करते हो दोस्तों आप, जल्दी से बताइए। इसका यांत्रिक लाभ एक से ज्यादा होगा, एक से कम होगा या एक के बराबर होगा, जल्दी से बताइए। एक से ज्यादा होगा, एक के बराबर होगा या एक से कम होगा, ग्रेटर देन वन, बहुत बढ़िया, मतलब रटी हुई चीजें बोल रहा है, कोई भी दिमाग लगा के नहीं बोल रहा दोस्तों। ग्रेटर देन वन, वन, बहुत बढ़िया, ग्रेटर देन वन, क्या बात है। जो बोल रहा है ग्रेटर देन वन, मुझे दोस्तों एक चीज बताइए, ये आपका फलक्रम है, ये आपका लोड इधर लग रहा है, ये आपका क्या दोस्तों, लोड है, और आप इधर से लगा रहे हो दोस्तों, ये मान लो एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है, यानी प्रयास लगा रहे हो दोस्तों। आपकी लोड आर्म कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी लोड आर्म, और दोस्तों ये कितनी हो जाएगी आपकी, एफर्ट आर्म, क्लियर दोस्तों। ये लोड आर्म, ये एफर्ट आर्म, तो लोड आर्म क्या है दोस्तों, ज्यादा है, मान लीजिए आपको कितनी है, मान लीजिए तीन है, और एफर्ट आर्म कितनी है, मान लो दोस्तों एक है, तो एक बट्टे तीन क्या हो जाएगा, क्या ये एक से कम नहीं हो सकता क्या दोस्तों, एक से कम नहीं हो सकता क्या, तो यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया दोस्तों, एक से कम हो गया। अब दूसरा केस लेता हूं दोस्तों, मैं दूसरा केस मैंने लिया कि ये आपका फल, ये आपकी रॉड थी दोस्तों, अब जो ये आपका फलक्रम है, जो आलम बिंदु है दोस्तों, वो ये रहा एफ, ठीक है, ये दोस्तों आपका लग रहा है लोड, ये आपका लग रहा है दोस्तों एफ, ये आपका जो लग रहा है ये मान लीजिए एफर्ट, ठीक है। अब जो लोड लग रहा है दोस्तों, इधर लग रहा है, ये कौन सी हो जाएगी, लोड से फलक्रम पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस होती है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोड आर्म, क्लियर। और यहां से एफर्ट बीच, एफर्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एफर्ट आर्म। तो एफर्ट आर्म दोस्तों यहां पर ज्यादा है, एफर्ट आर्म दोस्तों यहां पर ज्यादा है, और जो अपनी लोड आर्म है वो कम है, यानी प्रयास भुजा क्या है दोस्तों, आपकी ज्यादा है, और जो आपकी लोड आर्म है वो क्या है दोस्तों, कम है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, बताइए, पहले लेस देन वन हुआ था, ग्रेटर देन वन, क्या दोस्तों ऐसा पॉसिबल है कि ये फलक्रम है, ये बीच में हो बिल्कुल, ठीक है, लोड आपका इधर आ रहा हो और एफर्ट आपका इधर, क्या ये पॉसिबल है, दोनों की डिस्टेंस दोनों बराबर हो, क्यों पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो दोस्तों जब ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, तो क्या जाएगा, वन, तो यानी कुछ भी हो सकता है। पहली क्लास की श्रेणी के लिए ध्यान रखिए दोस्तों, मैं इधर नोट करके लिख रहा हूं आगे, कि पहली क्लास की श्रेणी के लिए, फर्स्ट क्लास की श्रेणी के लिए, ठीक है, फर्स्ट क्लास की श्रेणी के लिए दोस्तों मैकेनिकल एडवांटेज आपका एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और इक्वल टू वन भी हो सकता है। बताइए दोस्तों, समझ में आया नहीं आया, बताइए, बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए, हाँ ठीक है, जल्दी से बताइए, मोहम्मद अली जी आपकी मेल चेक करिए, मेल पे आपको मिल जाएगा आपको, है ना। तो तीनों हो सकता है दोस्तों, याद रखिए, मैं कि फर्स्ट क्लास का जो श्रेणी है, फर्स्ट क्लास की श्रेणी, अभी सीसा दिखाया, वो सीसा फर्स्ट क्लास का है, तो फर्स्ट क्लास में मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, क्लियर।
आगे चलते हैं दोस्तों। पहले तो मुझे बताइए, जिसमें हम लोग नींबू नचोड़ते हैं ना घर पे, नींबू नचोड़ने का जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, पहले मुझे बताइए वो कौन सी क्लास का है? वो पहली क्लास का है, जल्दी से बताइए। मैं बोल रहा हूँ नींबू, नींबू का रस निकालने वाली मशीन, नींबू का रस निकालने का इंस्ट्रूमेंट कुछ भी है, नींबू का रस निकालने वाला वाला इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, जो भी आप बोले डिवाइस बोल सकते हैं, औजार। क्लियर? तो मुझे बताइए दोस्तों वो कौन सी श्रेणी का होता है? पहली श्रेणी का होता है, दूसरी श्रेणी का होता है, तीसरी श्रेणी का? दोस्तों ये आपके कुछ ऐसा होता है ना, जैसे कुछ ऐसा बना होता है ना, लगभग ऐसा। इसमें हम लोग क्या रखते हैं दोस्तों, बीच में नींबू को काट के रख देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपका ये है, ये आपका बनता है फलक्रम। ये क्या बनता है दोस्तों? फलक्रम। ये बनता है दोस्तों आपका लोड। आप नींबू को इसमें रखते हैं ना, तो दोस्तों ये इधर आता है लोड। और आप एफर्ट कहां से लगाते हो दोस्तों? आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूं मैं, ठीक है ना। फिर आप इसको दबाते हो दोस्तों, तो आप जो एफर्ट लगाते हैं आप कहां से लगाते हैं दोस्तों? यहां से लगाते हैं, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं दोस्तों कि यहां पर हमेशा दूसरी जो क्लास है, ये कौन सी क्लास है दोस्तों? FLE आप जानते हैं, बीच में कौन है? लोड है। तो ये कौन सी हो जाएगी? द्वितीय श्रेणी। तो मुझे ध्यान रखिए दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें क्या होगा दोस्तों, कि ये हो गई आपकी एफर्ट आर्म, ये क्या हो गई दोस्तों आपकी एफर्ट आर्म, और दोस्तों ये हो गई आपकी लोड आर्म। तो मैकेनिकल एडवांटेज की दोस्तों मैं बात करूं, मैकेनिकल एडवांटेज की मैं बात करूं दोस्तों, क्या होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म? भाई मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है आपका? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ठीक है। तो दोस्तों आपकी एफर्ट आर्म ज्यादा है, ये चीज ज्यादा है, ये चीज कम है। मान लीजिए 5 है, ये कम है, मान लीजिए 2 है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? 2.5 आ गया, 1 से ज्यादा आ गया। और दोस्तों तो सेकंड क्लास वाली में क्या होता है, जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है दोस्तों, 1 से ज्यादा होता है। क्लियर? तो मुझे बताइए दोस्तों, मैंने आपको बताया था 3 तरह की मशीन बताई थी जब स्टार्ट हुआ था पहले ही, कि मैकेनिकल एडवांटेज यदि 1 से ज्यादा हुआ, ठीक है। देखो 3 तरह की मशीन बनाई थी, फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब क्या है दोस्तों? आप कम फोर्स लगा रहे हो उससे ज्यादा का काम निकाल रहे हो। क्लियर? तो कहीं ना कहीं वो फोर्स मल्टीप्लायर में मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों? मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ 1 से ज्यादा होगा। क्लियर? तो यहां पर भी हमारा क्या मिल रहा है? फोर्स मल्टीप्लायर मिल रहा है। कैसे? हम लोग जो नींबू नचोड़ने में, अगर नींबू आप हाथ से नचोड़ते तो बहुत ताकत लगती है, इधर क्या आप कम फोर्स लगा रहे हो, कम फोर्स में इधर ज्यादा आपको मिल रहा है, इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज दोस्तों इसका 1 से ज्यादा है। क्लियर दोस्तों? चले आगे, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मुझे बताइए दोस्तों, जो आपका चिमटा होता है घर में, जिससे रोटी सेकते हैं हम लोग, वो चिमटा होता है दोस्तों, वो क्या होता है? प्रथम श्रेणी का होता है, द्वितीय श्रेणी का होता है, तृतीय श्रेणी का? जल्दी से बताइए दोस्तों, कुछ ऐसा होता है ना आपका चिमटा, कुछ मान लीजिए दोस्तों ऐसा होता है ना। अब बताइए दोस्तों, ये पहली श्रेणी का है, दूसरी का है, तीसरी का है? जल्दी से बताइए, पहली का है, दूसरी का है, या तीसरी का है? जल्दी से बताइए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये आपका क्या बनेगा इधर? फलक्रम बनेगा। बताइए बनेगा नहीं बनेगा? ये आपका क्या बनेगा दोस्तों? फलक्रम बनेगा। और दोस्तों तो चीजें उठाते हैं, कुछ भी चीजें उठाई, मान लो आपने चिमटा ही नहीं, कुछ मान लो कुछ भी चीज उठा रहे हो, आप यहां से उठा रहे हो दोस्तों, तो आपका ये लोड हो जाएगा। और दबाते कहां से दोस्तों? आप यहां से दबाते हो तो ये आपका एफर्ट हो जाएगा, यानी प्रयास हो जाएगा। क्लियर? ये आपका लोड, ये आपका एफर्ट, ये आपका फलक्रम। तो दोस्तों बीच में क्या आ रहा है? बीच में क्या आ रहा है आपको पता है? बीच में क्या आ रहा है? एफर्ट आ रहा है। तो जब बीच में एफर्ट आता है दोस्तों, ये कौन सी हो जाएगी? तृतीय श्रेणी का। पहली बात तो मिल जाएगा, ये कौन सी दोस्तों? तृतीय श्रेणी का। क्लियर? यदि मैं बात करूं फ्रेंड्स कि ये जो लोड है, लोड की फलक्रम से जो डिस्टेंस हो जाएगी दोस्तों, ये आपके मान लो ये हो गई आपकी लोड आर्म। ये क्या हो गई दोस्तों? आपकी लोड। जल्दी बताओ, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होगा या कम होगा? अगर बात करूं दोस्तों एफर्ट है या फलक्रम है, तो दोस्तों जो एफर्ट आर्म होगी दोस्तों यहां पर कितनी होगी? इतनी हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैकेनिकल एडवांटेज दोस्तों क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ क्या होता है? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म का मतलब दोस्तों प्रयास भुजा। प्रयास भुजा क्या होती है? एफर्ट पॉइंट से जहां पर आप प्रयास लगा रहे हो, वहां से लेकर फलक्रम के बीच की डिस्टेंस। तो ये एफर्ट आर्म होगी दोस्तों, और ये लोड लग रहा है, तो लोड से फलक्रम के बीच की डिस्टेंस दोस्तों कितनी होगी? लोड आर्म। तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि जो
एफर्ट आर्म है, ठीक है, एफर्ट आर्म क्या है, कम है, ये मान लो कम, ये कम है, और जो लोड आर्म है दोस्तों ज्यादा है, ये कम है ये ज्यादा है, तो यानी मान लो ये एक है, मान लीजिए ये चार है, कुछ भी ऐसे मान लीजिए, तो मैकेनिकल एडवांटेज दोस्तों जो आएगा वो क्या आएगा, लेस देन वन आएगा, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों मैकेनिकल एडवांटेज जब एक से ज्यादा होता है वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है, और जब मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम होता है तो वो किसका काम होता है दोस्तों, स्पीड मल्टीप्लायर का, ठीक है। जैसे आपकी कैची है दोस्तों, ठीक है, आपकी कुछ कैची है, सीजर है, कुछ ऐसी होती है ना, ठीक है। अभी क्या होता है दोस्तों, बीच में जहां से घूमता ही होता है फलक्रम, ठीक है, हम यहाँ पर क्या लगाते हैं दोस्तों, एफर्ट लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं दोस्तों, यहाँ पर एफर्ट लगाते हैं, और जो भी चीज काटनी हो हम बीच में रखते हैं दोस्तों, वो क्या होता है आपका लोड होता है। जल्दी से बताइए कौन सी श्रेणी का ये, जल्दी से बताइए, ये आपका फलक्रम हो गया, जल्दी से बताइए कौन सी श्रेणी का सीजर, जल्दी से बताइए, जो बोल रहे मैकेनिकल एडवांटेज का सूत्र गलत है, सूत्र तो आप बता दो कौन सा सही है, लोड अपॉन एफर्ट, कल से हम यही तो बात कर रहे हैं, अभी भी यही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपकी सीजर है, कैची होती है, ये कहता है एफ एल ई, तो बीच में दोस्तों क्या आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, रुकिए रुकिए एक मिनट रुकिए, जो सीजर है आपका, ठीक है, ये आ रहा है दोस्तों। अब जो ये आपका है, ये फलक्रम पॉइंट है दोस्तों। अब जो हम एफर्ट लगा रहे हैं, हम जो लगा रहे हैं दोस्तों यहां से पकड़ते हैं, क्लियर, और जो भी कुछ चीज हमको काटनी हो, कुछ भी मान लीजिए दोस्तों, वो इधर होती है एल, क्लियर दोस्तों। तो आपका क्या होता है दोस्तों, एफ एल ए, अगर बीच में क्या आता है दोस्तों, फलक्रम आता है, तो कौन सी श्रेणी का होता है, ये पहली श्रेणी का, कल भी मैंने बताया था, तो कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट क्लास का ये हो जाएगा। हाँ, कल बता दिया था मैकेनिकल लोड अपॉन एफर्ट, और आज एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, कल इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। चले आगे, चलिए अब बात हो गई लीवर की, बात हो चुकी, अब हम बात करते हैं दोस्तों पुली की, ठीक है। पुली यानी क्या होता है दोस्तों, घिरनी, हेडिंग डाल दीजिए पुली यानी गिरनी, ठीक है। क्या होता है पुली बताइए दोस्तों, पुली भी क्या है दोस्तों, एक तरह की मशीन है, ठीक है, ये क्या है, एक तरह की क्या है दोस्तों, मशीन है, ठीक है, एक तरह की क्या है दोस्तों, मशीन है, क्लियर। दूसरी बात करूं दोस्तों, जो पुली बनी होती है, पुली क्या होती है, कुछ इस तरह की एक होती है, डिस्क होती है, डिस्क चकती, उसी तरह की एक पुली होती है। इस पे पुली का काम क्या होता है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, ये मान लो कुछ भी एक वजन लटका हुआ है, कुछ भी एक लोड लटका हुआ है, क्लियर। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों, हम लोगों को कुएं में से कुछ बाल्टी निकालनी, पहले हम लोग कैसे निकाल रहे थे, ऐसे नीचे ऐसे झुक के ऐसे निकाल रहे थे, तो जैसे ही हम लोग पुली पे से करेंगे, अब जो ये बाल्टी है मान लीजिए दोस्तों, अब जो हम लोग खींचेंगे कैसे, ऐसे ऊपर की साइड से खींचेंगे, ठीक है। तो पुली क्या कर रहा है दोस्तों, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, पुली क्या कर रहा है दोस्तों, डायरेक्शन चेंज कर रहा है एफर्ट की, क्लियर। पुली क्या कर रहा है दोस्तों, डायरेक्शन चेंज कर रहा है एफर्ट की, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए दोस्तों, दो प्रकार की होती है वो सब, ठीक है, ये बताओ, ठीक है, लीवर समझ में आ गया, पहली श्रेणी क्या होती है, दूसरी क्या होती है, तीसरी, मैकेनिकल एडवांटेज समझ में आ गया, चले आगे बताओ दोस्तों, ठीक है। जब पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम आ रहे हो, फालतू की बातें कर रहे हो, देखो कि ये कराओ ये कराओ, जब पूरा आपका एक भी क्वेश्चन नेट के का, जब मैंने बोल दिया पुल लिखा, कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, अब देख लेना कितने क्वेश्चंस आपके अटकते हैं, क्लियर, ठीक है दोस्तों। अब आप बात करते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पुली क्या है दोस्तों, एक मशीन होती है। जो पुली बनी होती है दोस्तों, ये जनरली किससे बनी होती है, कास्ट आयरन से, कास्ट आयरन मतलब डलवा लोहा, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, डलवा लोहा,
ठीक है। अब दोस्तों जो आपकी पुल्ली होती है, जो घिरनी होती है, क्या होती है, दो तरह की होती है। पहले होता है दोस्तों फिक्स पुली, फिक्स पुली। पहला क्या होता है दोस्तों, फिक्स पुली, फिक्स्ड पुल्ली, ठीक है। फिक्स्ड का मतलब जो बिल्कुल स्थिर है, मूव नहीं कर रही, ठीक है। एक तो मूव कर सकती है, इधर से उधर जा सकती है, एक बिल्कुल फिक्स है दोस्तों, क्लियर। तो देखिए दोस्तों, लेट सपोज ये आपकी एक पुल्ली है, ये क्या है दोस्तों, पुल्ली है, इसको हमने कर दिया दोस्तों फिक्स, इससे कुछ टाक के ऐसे कुछ करके हमने कर दिया दोस्तों फिक्स कर दिया, है ना, ध्यान से समझना, क्लियर। अब आपने क्या करा दोस्तों, हमको ये उठाना है, ये इधर क्या लग रहा है, लोड है दोस्तों, ये क्या है हमारा, लोड है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, लोड है, ठीक है। इसको हम लोगों को उठाना है, ये आपका लोड है, ये आपका क्या है दोस्तों, लोड है, ये क्या है, एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये लोड है, क्लियर दोस्तों। अब रस्सी इस साइड आ रही है और दोस्तों हम लोग लगा रहे हैं एफर्ट, हम लोग क्या लगा रहे हैं दोस्तों, एफर्ट, एफर्ट किसके लिए लगा रहे हैं, एफर्ट किसके लिए लगा रहे हैं दोस्तों, हम इस लोड को उठाने में लगा रहे हैं। हमको क्या निकालना है दोस्तों, मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, हमको क्या निकालना है दोस्तों, मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, जल्दी से बताइए कितना होगा, फिर मैं बताता हूँ। तो मैकेनिकल एडवांटेज दोस्तों क्या होता है, सिंपल सी बात है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है दोस्तों आपका लोड अपॉन एफर्ट, क्लियर, लोड अपॉन एफर्ट। बात करते हैं लोड कितना है, बात करते हैं एफर्ट कितना है, जल्दी से बताइए कितना होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, लेट सपोज ये आपकी रोप है, ये रोप है, ध्यान से समझना, पूरे ढंग से बता रहा हूँ कैसे मैकेनिकल एडवांटेज एक आएगा, दो आएगा, जो भी आएगा, कैसे आएगा, समझिए दोस्तों। दोस्तों ये रस्सी है आपकी, एक तो रस्सी आपकी रोप जो भी है ऐसी कैसे रखी है, और एक आप खींच के रखोगे तो उसमें क्या आएगी दोस्तों, टेंशन आती है, उसमें क्या आता है, तनाव आता है, टेंशन आता है, ठीक है। तो टेंशन इस रस्सी में, टेंशन कैसे शो करते हैं, ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं कितनी टेंशन आ रही है, तो बस उससे थोड़ा सा दूर बना के ऐसे बना दो टी, ये आ रही है टेंशन, बस इतना सा। अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पे कितनी आ रही है, इससे थोड़ा सा दूर बना के टी। अगर मैं बोलूं दोस्तों इस पॉइंट पे कितनी आ रही है, इस पॉइंट पे कितनी आ रही है, इससे दूर बना के टी। आप बोलेंगे सब जगह टी 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 क्यों आ रही है दोस्तों, क्योंकि रस्सी एक ही है, ठीक है। पूरी रस्सी में समान क्या होता है, तनाव बल होता है, एक रस्सी में समान तनाव बल होता है, ठीक है। तो दोस्तों टी टी टी, अब देखो ध्यान से समझे दोस्तों, मैंने क्या बोला, ये लोड की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, इस लोड को हम लोग जब खींचेंगे, ध्यान से समझना, ये लोड था दोस्तों, हमने रस्सी इधर ले आके अब ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला दोस्तों, जैसे ही आपने खींचा उसकी वजह से क्या आई, टेंशन आई, उसकी वजह से दोस्तों क्या आई, टेंशन मैंने शो कर दिया, यहाँ पर निकाल दो ऐसे टी दिखा दो, जहाँ पर भी टेंशन निकालनी है उससे दूर हम लोग ऐसे साइन करते हैं, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ये, जब हम पढ़ते हैं फोर्सेज एंड लॉ ऑफ मोशन, क्लियर। मैंने दोस्तों पूछा यहाँ पर लोड कितना है, लोड की वैल्यू बताइए दोस्तों कितना है, लोड की वैल्यू कितनी है बताइए। तो दोस्तों इस लोड को, ये जो लोड तो नीचे जाना चाह रहा था, लेकिन इसको ऊपर कौन लेके जाएगा, ये टेंशन। तो लोड को बैलेंस कौन कर रहा है यहाँ पर, टेंशन कर रहा है, तनाव कर रहा है, यहाँ पर लोड की वैल्यू आ गई दोस्तों टी, क्लियर। मैं बात करूँ दोस्तों एफर्ट कितना है दोस्तों, तो एफर्ट हम लोग ऐसे खींच रहे हैं, लेकिन ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। तो हम किसको बैलेंस कर रहे हैं दोस्तों, टेंशन को। तो जो एफर्ट होगा दोस्तों, जो प्रयास होगा, जो एफर्ट होगा, जो प्रयास होगा दोस्तों, किसके बराबर होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं कुछ भी चीज़ निरेट वाला सारी चीज़ें मैं आपको कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, फिर भी आप इतनी जल्दबाजी करते हैं कि भाई ऐसे कराओ वैसे कराओ, क्लियर। तो लोड क्या हो जाएगा दोस्तों, टेंशन हो जाएगा, एफर्ट भी क्या हो जाएगा, टेंशन। बात करते हैं दोस्तों मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट, यानी लोड अपॉन प्रयास, एफर्ट क्या होता है, प्रयास ही तो होता है। तो लोड कितना दोस्तों दे रखा है आपको, टी, क्लियर। बात करते हैं प्रयास कितना है दोस्तों, टी, तो टी अपॉन टी क्या हो जाएगा दोस्तों, वन, यानी मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ दोस्तों आपका क्या गया, एक। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि यदि यदि आपको 10 किलो न्यूटन का या फिर 10 न्यूटन का आपको लोड उठाना है, 10 न्यूटन का लोड उठाना है, तो आपको एफर्ट भी क्या होना करना पड़ेगा दोस्तों, 10 न्यूटन का ही करना पड़ेगा। आपको एफर्ट भी कितना करना पड़ेगा, आपको प्रयास भी कितना करना पड़ेगा, 10 न्यूटन का। आप बोलेंगे इस मशीन का तो कोई फायदा नहीं है कि भाई 10 न्यूटन की चीज उठानी है और ये पुली ये घिरनी लगाने के बाद भी 10 न्यूटन ही लगाना पड़ रहा था, फिर क्या फायदा। लेकिन दोस्तों इसका फायदा क्या है, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। पहले हम लोग ऐसे किसी बाल्टी से ऐसे ऐसे निकाल रहे थे, अब लोग हम ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे निकालते तो मतलब ज्यादा दिक्कत होती, मान लो आपकी पीठ वीट टूट जाती, कुछ भी जो भी होता, ठीक है। मतलब अब मैकेनिकल एडवांटेज जब ग्रेटर देन सॉरी इक्वल टू वन हो गया, एक के बराबर हो गया, तो ये किसका काम कर रहा है दोस्तों, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, ठीक है। अब जो पहले आप डायरेक्शन लगा रहे थे एफर्ट की, जैसे मान लो पहले नीचे थे तो ऊपर हो गए, तो एफर्ट की जो डायरेक्शन है, एफर्ट की जो दिशा है दोस्तों, प्रयास की जो दिशा है उसमें परिवर्तन हो गया, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट दोस्तों बताइए, यानी प्रयास की दिशा में परिवर्तन, प्रयास की दिशा में
परिवर्तन, बताइए दोस्तों कोई दिक्कत? तो जो आपकी सिंगल फिक्स्ड पुली होती है, ठीक है, ये सिंगल पुली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही है, सिंगल का मतलब एक ही। तो कौन सी दोस्तों? सिंगल फिक्स्ड पुली। ध्यान रखिए दोस्तों, इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो क्या होता है दोस्तों? वन होता है। क्लियर? कैसे होता है वन, अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि बेसिकली ये एक्चुअल में वन नहीं होगा, हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर? आगे चलते हैं। दूसरी हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो मैंने पुली बनाई है दोस्तों, ये जो मैंने पुली बनाई, ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने पुली बनाई, ये आपकी जो फिक्स पुली थी, ठीक है, इधर आपकी रोप थी दोस्तों, ये आपका क्या था फ्रेंड्स? लोड था। ठीक है, ये आपका क्या था दोस्तों? लोड था, और आप इधर लगा रहे थे एफर्ट। क्लियर? मुझे बताइए दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझिए। मैंने क्या बोला था कि जो आपका जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो क्या होता है दोस्तों? लोड अपॉन एफर्ट, बताइए दोस्तों। ठीक है, और मैंने आपको बताया दोस्तों जो वेलोसिटी रेशो होता है, जल्दी से बताइए, मैंने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था वेलोसिटी ऑफ एफर्ट यानी प्रयास की चाल, कुछ भी बोल सकते हैं, वेग बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है दोस्तों, तो वहां पर वेग और चाल दोनों बराबर होंगे। ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं। एफर्ट और नीचे क्या जाएगा दोस्तों? वेलोसिटी ऑफ लोड, ठीक है, यानी लोड की चाल। क्लियर दोस्तों? अब ध्यान से समझिए, मुझे कोई बता सकता है इसमें वेलोसिटी रेशियो कितना होगा? वेलोसिटी रेशियो कितना होगा दोस्तों? तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्या होगा, इस जो एफर्ट की चाल क्या होगा, किसने कितनी दूरी तय करी कितने समय में दोस्तों? यही तो होती है वेलोसिटी, यही तो होती है स्पीड, बताइए। अगर मैं बात करूं दोस्तों वेलोसिटी ऑफ लोड की, तो वेलोसिटी ऑफ लोड में कैसे करूंगा दोस्तों? किसने कितनी दूरी कितने समय में तय करी है? क्लियर? कि कितनी दूरी करी कितने समय में करी? देखिए अब दोस्तों, आप एक चीज समझिए, ध्यान से प्यार से समझना बात को, है ना। जब आप ऐसे खींचोगे तो लोड क्या होगा दोस्तों? ऊपर जाएगा, बताइए। लोड क्या होगा दोस्तों? ऊपर जाएगा। एफर्ट क्या होगा दोस्तों? नीचे जाएगा। क्लियर? ये जो चीज है थोड़ी नीचे आएगी। मुझे बताइए दोस्तों, अगर ये एक्स ऊपर गया, मुझे बताइए प्लीज दोस्तों, अगर ये एक्स ऊपर गया तो ये कितना नीचे आएगा दोस्तों? अगर ये एक्स ऊपर गया तो ये कितना नीचे आएगा, जल्दी से बताइए। अगर ये एक्स ऊपर गया तो ये कितना नीचे आएगा दोस्तों? आपको पता है ये भी एक्स नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि मान लो अगर ये एक्स ऊपर जाता और ये एक्स नीचे नहीं आता, तो जो आपकी जो रस्सी है दोस्तों ढीली पड़ जाती, ठीक है, क्योंकि जितना ये ऊपर जाएगा उसको इतना ही नीचे जाना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों? सिंपल सी बात है, है ना। तो मैंने क्या बोला कि लेट सपोज एक सेकंड में ये गया एक्स ऊपर गया, एक सेकंड में ये एक्स ऊपर गया, तो उस एक सेकंड में इस एक्स को नीचे आना पड़ेगा। अगर ये नीचे नहीं आया तो दोस्तों जो आपकी रस्सी वो ढीली पड़ जाएगी। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, यानी वेगानुपात क्या होता है दोस्तों? आपका वेगानुपात क्या होता है? प्रयास की चाल। तो प्रयास की चाल क्या होगी? कितनी दूरी करी? एक्स करी। कितने में करी? एक समय में करी, तो एक्स बट्टे एक इसकी होगी। बात करूं दोस्तों लोड की, ठीक है, लोड की स्पीड क्या होगी दोस्तों? कितनी दूरी तय करी? एक्स करी। कितने में करी? एक सेकंड में, मान लो एक सेकंड में करी। तो दोस्तों ये आपका वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। बताइए दोस्तों कोई दिक्कत दोस्तों? बताइए वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगा आपका? एक आ जाएगा वेलोसिटी रेशियो। आपका वेगानुपात कितना आ जाएगा दोस्तों? एक आ जाएगा। अब एक बहुत ही बढ़िया मैं चीज पूछने वाला हूँ आपसे, देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। अभी मैकेनिकल एडवांटेज हम लोगों ने एक निकाला ही था थोड़ी देर पहले, है ना, पिछले साइड में। देखिए मैं निकाला था मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकाला दोस्तों? एक निकाला था। अब हम लोगों ने देखा दोस्तों कि हम लोगों ने वेलोसिटी रेशियो भी यानी वेगानुपात भी क्या निकाल लिया दोस्तों? एक निकाल लिया। दोस्तों मुझे बताइए ये जो पुल्ली है, जो घरनी है, इसकी दक्षता बताइए मुझे, इसकी एफिशिएंसी बताइए, इसकी एफिशिएंसी बताइए दोस्तों, दक्षता बताइए। तो दक्षता क्या होता है दोस्तों? कल मैंने आपको बताया था मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ अपॉन वेलोसिटी रेशियो यानी वेगानुपात। क्लियर दोस्तों? ये आपकी एफिशिएंसी आई थी। क्लियर दोस्तों? कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत की बात दोस्तों नहीं है इसमें। तो ध्यान से समझिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका दोस्तों मैकेनिकल एडवांटेज भी वन आया, ठीक है, आपका वेलोसिटी रेशियो भी वन आया, तो एफिशिएंसी दोस्तों कितनी हो जाएगी? वन। वन का मतलब क्या है दोस्तों? यदि इसको परसेंटेज में लिखूं तो वन का मतलब क्या है? 100%। क्लियर? क्योंकि परसेंटेज का साइन आपको हटाते हैं तो आपको पता है नीचे 100 आता है, तो 100/100 एक। क्लियर? तो एफिशिएंसी वन का मतलब क्या है? 100%। क्या ये पॉसिबल है दोस्तों? बताइए क्या ये पॉसिबल है, जल्दी से बताइए।
रुको रुको, अब ध्यान से समझना दोस्तों। देखिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों, एफिशिएंसी आ गई आपके पास 100%। दोस्तों अगर किसी मशीन की, कोई भी पुल्ली की मशीन है, वो बोल लो पुल्ली बोल लो, क्योंकि पुल्ली भी क्या है दोस्तों, मशीन है, मैंने आपको बता दिया। मशीन तीन तरह की होती है, फोर्स मल्टीप्लायर जो फोर्स बढ़ा दे, ठीक है, हम कम एफर्ट में ज़्यादा लोड उठा ले, एक होती है स्पीड मल्टीप्लायर, एक होती है चेंज इन डायरेक्शन। तो ये कौन सा काम कर रही है, चेंज इन डायरेक्शन। तो दोस्तों अगर किसी मशीन की दक्षता एफिशिएंसी 100% होती है तो वो मशीन कहलाती है आइडियल। आइडियल यानी दोस्तों आदर्श, क्लियर। और अगर दोस्तों किसी की 100% से कम होती है तो वो हो जाएगी दोस्तों प्रैक्टिकल। जो भी रियल लाइफ में जो भी मशीन होगी, जो भी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का मतलब दोस्तों अगर जैसे मैं बात करूं, प्रैक्टिकल को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल जैसे डेली जो लाइफ में होता है, एक तो आइडियल होता है, आइडियल मतलब बिल्कुल आदर्श। जैसे एक कोई इंसान है ऐसा आदर्श है जिन्होंने कभी ना झूठ बोला ना कुछ भी बोला। सिमिलरली जो लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा पॉसिबल है कि कोई झूठ नहीं बोलता, झूठ सब बोलते हैं, ठीक है, मतलब कभी अच्छे के लिए कभी बुरे के लिए जो भी हो। एफिशिएंसी क्या होता है दोस्तों, 100% अगर से कम हुई तो वो कौन सी होगी, प्रैक्टिकल मशीन होगी, ठीक है, प्रैक्टिकल। आप इसको वास्तविक मशीन भी बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल मशीन। बताइए दोस्तों इतनी चीज आई, चीजें क्लियर आई दोस्तों, बताइए, ठीक है, प्रयोगात्मक, ठीक है, मैं लिख देता हूं, एक भाई ने जवाब दिया है प्रयोगात्मक, मैंने लिख दिया प्रयोगात्मक, ठीक है, जैसे भी हो, मतलब तो समझ ही गए दोस्तों। अब देखो, आप मैंने क्या बोला दोस्तों, एफिशिएंसी 100% कब हो सकती है, आइडियल। और आइडियल रियल में कोई आइडियल पॉसिबल ही नहीं है, आदर्श नाम की कोई चीज नहीं होती, यानी हमेशा 100% से एफिशिएंसी कम होती है दोस्तों। अब ध्यान से समझो दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूं, प्यार से समझो। हम लोगों ने मैकेनिकल एडवांटेज क्या निकाला दोस्तों, वेलोसिटी रेशियो आ गया 1। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी मशीन अगर बनी इसका वेलोसिटी रेशियो 1 होगा, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात दोस्तों नहीं है। जो वेग अनुपात आएगा 1 है, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन दूसरी बात, हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जो आपका मैकेनिकल एडवांटेज आया, यांत्रिक लाभ आया, वो 1 कब आएगा, ध्यान से समझो, ये 1 कब आएगा दोस्तों, जब पूरी कंडीशंस आइडियल हो। पूरी कंडीशन दोस्तों हमारे पास आइडियल हो, आदर्श मशीन हो। कैसे मैं समझाता हूं, परेशान मत होइए दोस्तों, मुझे ध्यान से समझाइए। इस पुल्ली का भी तो कुछ ना कुछ वेट होगा, इस पुल्ली का भी तो वही कुछ ना कुछ भार होगा, ठीक है, इस पुल्ली का भी भार होगा दोस्तों, इस पुल्ली का भार होगा दोस्तों। हो सकता है जो इसका सेंटर भार होगा, मतलब इसका कहीं ना कहीं दोस्तों इसका वेट लगेगा, नीचे लगेगा। हो सकता है इसका सेंटर ऑफ मास, यानी जहां पर इसका सेंटर ऑफ वेट बोल सकते हैं आप, है ना, तो जो जरूर नहीं है बीच में हो, कहीं यहां पर हो, यहां पर हो, तो जो घिरनी होगी आपकी पुल्ली क्या होगी दोस्तों, अनबैलेंस होगी। तो ये कंडीशन मैकेनिकल एडवांटेज 1 आइडियल कंडीशन में। आइडियल का मतलब दोस्तों क्या है, पुल्ली वेटलेस है, यानी पुल्ली भार रहित है। पुल्ली क्या है दोस्तों, पुल्ली वेटलेस, वेटलेस यानी दोस्तों भार रहित, इसका कुछ भी भार हमने नहीं माना। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर इसका कुछ भार मानते तो टेंशन में कुछ ना कुछ तनाव में इफेक्ट करता। तो दोस्तों ये जो आइडियल पुल्ली है वो क्या है दोस्तों, वेटलेस मानिए, भार रहित माना है, क्लियर। अगर ये चीज होगी तभी जाके मैकेनिकल एडवांटेज 1 आएगा, वरना मैकेनिकल एडवांटेज कभी भी 1 नहीं आएगा। वेलोसिटी रेशियो यानी वेगानुपात दोस्तों हमेशा 1 आएगा, क्लियर। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताइए दोस्तों कि मैंने बोल दिया, अब ध्यान से समझो, ठीक है, मैंने कब बोला मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर कभी नहीं होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल मशीन के लिए, ठीक है। और मैकेनिकल एडवांटेज दोस्तों 1 कब होगा, जब मशीन क्या होगी दोस्तों, आइडियल, ठीक है। और बात करें वेलोसिटी रेशियो 1 कब होगा, ये क्या होगा, हमेशा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये हमेशा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आइडियल हो प्रैक्टिकल हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो दोस्त। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझिए, ठीक है, ध्यान से समझिए, मैंने बोला यदि किसी मशीन की, यदि किसी मशीन की दक्षता 80% है तो यांत्रिक लाभ बताइए। किसी मशीन की नहीं दोस्तों, एक फिक्स्ड मशीन की बात कर रहा हूं, एक फिक्स्ड घिरनी, ठीक है, अब से रहेगा, एक फिक्स्ड घिरनी की दक्षता 80% है तो यांत्रिक लाभ बताए दोस्तों, ठीक है, इंग्लिश में बताता हूं, परेशान मत होइए भाई, तो यांत्रिक लाभ बताइए, ठीक है। इफ एफिशिएंसी ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली इज 80%
देन मैकेनिकल एडवांटेज दोस्तों आपसे पूछा है, ठीक है दोस्तों, मैकेनिकल एडवांटेज आपसे पूछा है। तो आप जानते हैं दोस्तों मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है दोस्तों, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, यानी यांत्रिक लाभ अपॉन वेगानुपात। तो दोस्तों जो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो सकता है दोस्तों, एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों मैंने क्या बोला, वेलोसिटी रेशियो हमेशा एक होगा, तो एफिशिएंसी कितनी दे रखी दोस्तों आपको 80% दे रखी है, क्या मैं लिख सकता हूँ 0.8, ठीक है, इंटू एक, तो मैकेनिकल एडवांटेज दोस्तों कितना आ जाएगा 0.8। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, मैंने पूरी चीज डिटेल में बताई है कि वेलोसिटी रेशियो 1 हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, क्योंकि भाई एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा, वेलोसिटी रेशियो 1 हो सकता है, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज दोस्तों एक कब होगा, जब चीजें आइडियल होगा। बताओ दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत हो आपको? और दोस्तों जो भी पटना से है आपको पता होना चाहिए, जो वाइफ फर्स्ट स्टडी का मीटअप है आपसे मिलने आ रहे हैं, आप के शहर पटना में, तो आपको जरूर आना है, हम भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे दोस्तों, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने हमको क्लास में देखा है, और जब हम आपसे मिलेंगे तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपने इतना सपोर्ट करा है, हमको यहाँ तक पहुँचा है। तो दोस्तों आपसे मिलने आ रहे हैं पटना में, और एक एक करके इंडिया के सभी शहर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कवर करेंगे। तो 1 दिसंबर को दोस्तों सुबह 9 बजे SK मेमोरियल आपका हॉल है, पटना में ही है SK मेमोरियल हॉल, 1 दिसंबर को सुबह 9 बजे। बताइए कोर्स जल्दी करवाओ, अरे मैं तो जल्दी करवा दूँ, लेकिन आप छोड़ते भी तो नहीं हो कि ना ये समझाओ, कोई दिक्कत नहीं, कल 5-10 मिनट में करवा के कल सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे, कल पूरा चैप्टर खत्म, परसों से नया चैप्टर हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, स्टार्ट कर देंगे, परेशान मत हो। और फिर हम सिलेबस होने के बाद रोजाना क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एग्जाम तक रोजाना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि जितने भी बड़े, कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि सर आपने टफ इतना ऊंचा लेवल बताया, अब देखो दोस्तों अब पेपर कहीं से भी आ जाए, सारे अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल मैंने सारे कवर कर रहे हैं क्लास में, अब इसके बाद में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे रेलवे पूछता है ना, और जैसे जितने भी बन सकते हैं, अब रोजाना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना इतने सिंपल, तो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी मैंने पूरा कवर करवा दिया, मैंने आपका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रोजाना करेंगे 50-50, 60-60। बताइए दोस्तों गांधी मैदान के पास है, अच्छा ठीक है दोस्तों, अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को वापस देख लेना, प्यार से समझना, दिल खोल के आराम से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरे को नहीं लगता दोस्तों, जैसे आपको लग रहा है कि यार ये लीवर मशीन ये है, आप कहीं भी सर्च करके देख लेना, अगर लीवर और मशीन आपको बिल्कुल जैसे रेलवे के लिए आपको इससे सिंपल मिल जाए, तो हो सकता है बहुत जने बहुत काफी अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन हमने पूरा अपना 100% दिया है दोस्तों, आपको एक एक चीज समझाइए, वेगानुपात कैसे एक आया, मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ कैसे एक नहीं हो सकता रियल में, क्लियर दोस्तों। बताइए जल्दी से बताइए दोस्तों, कोई डाउट हो तो आपको, नेक्स्ट इलाहाबाद बिल्कुल देखेंगे, परेशान मत होइए, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, कल मिलेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, और इसके आगे जो पुली है एक आपको मूवेबल पुली बतानी है, तो उसका हम लोग देखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा, क्लियर दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, बाय बाय।